हेलो स्टूडेंट्स, वेट मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे आरपीवीटी 2022 एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री के 11th के कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टूडेंट, हमें पता है कि आरपीवीटी के पेपर में फिजिक्स और केमिस्ट्री के 45-45 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 11th केमिस्ट्री के कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे कि देखें, टॉपिक्स कौन कौन से हैं: सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट ऑफ मैटर और थर्मोडाइनमिक्स। 6 टॉपिक ये। देन 7th में आप देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें बेसिक प्रिंसिपल और टेक्निक्स, हाइड्रोकार्बन्स और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, मिलाकर 14 टॉपिक्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट रहने वाली है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की। इसमें आपको मोल कंसेप्ट का अच्छे से याद रखना है, मोलर मास और जो एक एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है उसके बारे में अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट जो यूनिट रहेगी वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें बोहर कॉन्सेप्ट हो गया, सोमरफिल मॉडल हो गया, उसके साथ साथ में आप डी ब्रोगली के बारे में पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्बिट क्वांटम नंबर, शेप ऑफ एस पी डी ऑर्बिटल, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस अकेले यूनिट से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे 45 क्वेश्चन में से। देन पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़ और उसके बेस पर कौन कौन से चेंजेस आते हैं एलिमेंट्स में, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसको मिला करके 5 से 6 क्वेश्चन मान लीजिए पेपर में आएंगे। उसके बाद में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो केमिकल बॉन्ड के बारे में जितने भी टाइप के बॉन्ड्स हैं उनको अच्छे से पढ़ें आप। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एस पी डी ऑर्बिटल और उनकी शेप और उसके साथ में उनका हाइब्रिडाइजेशन जो है, और साथ में एच बॉन्ड, इसको अच्छे से पढ़ करके जाएँ। तो 4th यूनिट जो है 5th के कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो 5th ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। जो 6th है वो इंपॉर्टेंट है, थर्मोडाइनमिक्स जो है उसको आप अच्छे से पढ़ करके जाएं, क्योंकि थर्मोडाइनमिक्स 12th में भी आएगी, फिजिक्स में भी आती है, इसलिए आपको थर्मोडाइनमिक्स को कवर करना पड़ेगा। थर्मोडाइनमिक्स फिजिक्स के बेस पर देखें और केमिस्ट्री दोनों के बेस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली। स्टूडेंट, जो नेक्स्ट यूनिट रहने वाली है वो है इक्विलिब्रियम, चाहे वो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ें आप या फिर आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ें, इस पे आपको 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक के मिलेंगे। तो अच्छे से इनके कंसेप्ट पूरे करके जाइएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम दोनों में से 2-2 क्वेश्चन आने फिक्स हैं, और आप प्रीवियस ईयर एग्जाम में इसके पैटर्न देख सकते हैं क्या रहेगा। दूसरा, रेडॉक्स रिएक्शन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आना चाहिए एलिमेंट का। फिर हम चलें तो एस ब्लॉक पी ब्लॉक के बारे में जाएं, तो एस ब्लॉक पी ब्लॉक में आपको सभी एक तो एलिमेंट याद होने चाहिए, प्लस इनके जो है आप प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे सिलेबस में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रो या फिर हाइड्रोजन कार्बाइड के बारे में दिया है, तो ये अच्छे से पढ़ करके जाएं। ऐसे ही पी ब्लॉक फिर से आपको 12th क्लास में मिलेगा, तो यहाँ का जो पी ब्लॉक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी 13 एलिमेंट्स आपको पढ़ने हैं और जनरल 14 एलिमेंट्स भी आपको केवल बेसिक प्रॉपर्टीज़ देख करके जाना है। अगर एस और पी ब्लॉक की बात करूँ तो यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन टोटल मान लीजिए, तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। आपको ये 12th क्लास में भी कवर करना होगा, तो ये दोनों एक साथ ही आप उसको कवर कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बेसिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स में सबसे पहले तो याद रखना पड़ेगा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के साथ साथ में आप उसमें देखेंगे कि जो इसके जो आइसोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म पर भी जाएंगे आप, या फिर रिएक्शन मैकेनिज्म, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 12th में भी आपको कवर करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर मैं हाइड्रोकार्बन्स में जाऊँ, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस में, तो वो ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जो लास्ट आप देखेंगे इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो में भी पहले भी बताया था कि एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे पता लगाते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, रेजोनेंस उसमें कैसे होता है, वो जरूर कॉन्सेप्ट आप पढ़ करके जाएं, इस पर जरूर 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे। लास्ट में अगर हम देखें तो आपके एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आती है, तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो आप बायोलॉजी के बॉटनी टॉपिक में भी कवर कर लेते हैं, तो इतना कोई इंपॉर्टेंट मुझे लगता नहीं इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन बनेगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे 11th केमिस्ट्री के आरपीवीटी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लगातार लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।